पे जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात करूं, ताकि नींद के संबंध में जो भी आपके अंदर विचार आए वो थोड़े से हटें। वरना जैसे आपको सरल नींद आ गई, आपकी शायद उम्र और आपके बहुत समय से शायद आध्यात्मिक जीवन की यात्रा के कारण है कि आप कुछ मेरी बातों पे जल्दी समर्पित हो पाए। बस यही कारण है, इससे बड़ा कोई कारण नहीं है। आप लोग शायद अभी उनको चीज़ों को समझने जानने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, और इसमें अभी दिमाग चलेगा। मैं नींद लाने के लिए ही ऐसे ध्यान भी इसलिए करता था कहीं ऐसा आ जाए, मतलब हाँ कुछ नहीं करना है, आदेश यही था। समर्पण की नींद है, आप समर्पण से आंख बंद करके लेटे। मैं बिल्ली है मेरी, वो मेरे पास आती है, मैं देखा उसको, वो अपने आराम से आके लेके सो जाती है। वैसे उसको कोई भी उसकी पूंछ पकड़ ले, कुछ पकड़ ले तो उठेगी, जग जाएगी, लेकिन उसने मेरे हाथों को पहचान लिया, उसने मेरे पास को पहचान लिया। मैं सोते वक्त उसकी पूंछ भी हिलाता हूँ, सब कर लेता हूँ, वो नहीं जगती क्योंकि समर्पित है, उसे डर नहीं है। आप समझे ना, देखो जानवर ही है, उसे जरा सा कुछ करोगे उठ जाएगा, लेकिन उस जानवर को भी समर्पण का पता है, उस जानवर को भी समर्पण का पता है। और समर्पण का खेल बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा, आखिर किसी पे तो समर्पित करोगे। मैं यहां आप लोग आए हो, मैं अपने प्रति समर्पण की बात कह रहा। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो बोले स्वामी जी हमारी बुद्धि आपके प्रति समर्पित नहीं हो पाती, आपके प्रति समर्पित नहीं हो पाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई पृथ्वी पे एक आदमी तो होगा जिसके प्रति समर्पित हो पाती हो। अब बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा पता नहीं स्वामी जी कहां फांसेंगे, क्योंकि बुद्धि चल रही है तो मेरी इस बात में भी वो सोच रहे हैं कहां फांसेंगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा एक पोता है 6 महीने का, उसके प्रति मैं समर्पित हूं। देखो उन्होंने पोते के प्रति कहा कि मैं समर्पित हूं। मैंने कहा तो फिर एक काम करें कि लगभग 15-20 दिन, कोई बात नहीं, लगभग 15-20 दिन ऐसा करें कि आप पोते के प्रति कोई भी संदेह ना उठाएं और जो वो कहे वो करें, जो वो मांगे वो दे दें। मेरे प्रति छोड़ दीजिए, उसके प्रति तो कर सकते हैं, आप ही ने चुना। बोले हाँ स्वामी जी उसके प्रति कर सकते हैं। वो अपने घर गए, घर जाके उन्होंने जो भी पोते के साथ हुआ, 3rd-4th दिन मेरे पास भागे भागे आए, क्योंकि मैं जहाँ रहता था गांव में वो पास में थे, आए और कहने के स्वामी जी वो तो बवाल हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले पोता कभी भी वो ऐसी चीजें नहीं मांगता था जैसी तब मांगने लगा जब हम उसे देने लगे। ये तो कहने के हद तो हो गई कि कल तो उसने रिवाल्वर मांग लिया, वो लगा हुआ था। बोले ये तो अब मुझे आपकी बात याद आई कि दे देना चाहिए, लेकिन रिवाल्वर दे दूं तो फिर झंझट है। फिर ये ऐसा हो गया है कि नोट फाड़ रहा है। मैंने कहा कि बस यही तो कीमिया है जिसकी बात मैं सुबह भी आप लोगों से कर रहा था कि एक गुरु की संगत में आप क्या सीखेंगे। एक गुरु की संगत में सीखेंगे कि प्रकृति में सब हिस्से हैं, अच्छा बुरा, उन सब चीजों को वो सीखेगा, सिखाएगा। इसीलिए गुरु की संगत में, क्योंकि वो थोड़ा समझदार होता है, इसलिए वो तुम्हें सही ढंग से सिखाएगा, खतरों से बचा बचा के सिखाएगा। लेकिन अगर गुरु की संगत में नहीं सही तो दूसरी बात कही गई, प्रेम में सीख लो। किसी को प्रेम करते हो तो पूरा प्रेम कर लो, पूरा ही कर लो। फिर वो क्या मांगता है, क्या नहीं मांगता है, वो क्या छल करता है, क्या कपट करता है, कृष्ण जैसा छलिया मिल जाए तो मजा आ जाए, वो तो हर चीज। तो ऐसी कंडीशन में प्रेम माध्यम बन जाता है। तो पहला तो गुरु की संगत माध्यम है, दूसरा प्रेम माध्यम। और मैं तो कहता हूं कि प्रेम भी ना कर सको और गुरु की संगत में भी नहीं, तो तुम एक जीवन में छोटा सा संकल्प उठा लो कि ये करना है। कोई भी छोटा सा संकल्प, एक कार्य का, एक नौकरी का, एक बिजनेस का, एक किसी टारगेट को बना लो
और उस टारगेट के पीछे ऐसे लग जाओ कि वो टारगेट में हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और यदि तुम उस टारगेट में भी लगे तो होगा यही, कहीं ना कहीं थोड़े छल कपट करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्शियस मारनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मन नहीं होगा तब भी करना पड़ेगा क्योंकि उस टारगेट के प्रति समर्पित है। ऐसी स्थिति में भी तुम जो हो वो नेचर के उस रंग को पहचान जाओगे जो रंग बड़ा मिला जुला है। और चौथी चीज, हटा दो सबको, अपने प्रति तो विश्वास कर सकते हो, टारगेट पे नहीं कर सकते, प्रेम पे नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति पे नहीं कर सकते, गुरु पे नहीं कर सकते, अपने पे तो विश्वास है, तो अपने दिल की हर आवाज को सुनो, पता लग जाए। और झंझट हो जाएगी बात, झंझट तो है, झंझट से तो मुक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा था, वो किसी ने कहा, कौन हुआ था, एक अष्टावक्र ने कहा था, जीवन दुख है ये जान तो सुखी हो जा। मैं कहता हूं जीवन झंझट है, तू ये मान ले और झंझटों में पड़ जा, मजे ले। बचना क्यों है, क्या बचेगा भाई, मेरे जीवन में बड़े झंझट होते हैं, करना नहीं चाहता फिर भी हो जाते हैं, अब क्या करेंगे, अब झंझट हो गए तो हो जाएं, बस मजा लेंगे झंझट का, हर तरीके से मजा लेंगे। अब ओशो ने ओरेगन में बनाया इतना बड़ा कम्यून और उसके बाद वहां पे नष्ट कर दिया गया, तो क्या कर लोगे, अब नष्ट हो गया तो स्वीकार ही तो करोगे, हो गए झंझट तो हो गए, अब डाल दो जेल में तो डाल दो, क्या कर सकते हैं। नानक को भी उनके पिता ने निकाल दिया, भैया कि निकल, तू तो सब बांट रहा है, तो झंझट तो इसमें भी है, झंझट तो हर गुरु को भी है, जिसको आप जागृत समझते हो, क्या सोचते हो, झंझट नहीं होते उसके जीवन में, बहुत झंझट होते, बस उसको निपटना आता है। सिखों में देखो एक परंपरा चली आई, एक गुरु ने दूसरे को दी अपनी गद्दी कि दूसरा संभाल लेगा, समझदार है, मिल गया, लेकिन एक युग आया जब दसवें गुरु को कोई शिष्य नहीं मिला, भाई गुरु ही तो थे, दसवें गुरु तो वो भी तो थे ना, लेकिन उनको कोई शिष्य नहीं मिला जिस पे आगे सौंपा जा सके, तो उन्होंने कहा भैया अब हम ये लिखें, ये गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है, इसीलिए तो वो ग्यारहवां गुरु हुआ, क्योंकि अब किताब कोई चुन नहीं सकती, अब किताब किसी व्यक्ति को नहीं चुन सकती, इसलिए कह दिया ये अंतिम है, क्योंकि किताब थोड़ी ना चुनेगी, चुनेगा तो एक जीवित व्यक्ति। तो आप ये सोचो कि इस राह पे चलोगे, झंझट से मुक्त हो जाओगे, तो भी मैं कहता हूं जैसे सुबह कहा था कि अभी लौट लो, यहां पे भी कहता हूं, अगर आपको ये दूसरा सूत्र है कि यदि आपको लगता हो कि बुद्धत्व के बाद कोई झंझट नहीं बसते, तो अभी वापिस हो लो, क्योंकि बुद्धत्व के बाद तो बहुत झंझट है और बढ़ जाते हैं। बुद्धत्व से पहले तो तुम्हारा दर्द रहता है, बुद्धत्व के बाद तो सबका दर्द तुम्हारा हो जाता है। मैं इसको ऐसे कहता था कि मैं अपने लिए कहता था कि आ उसकी सुनो जिसको कोई दर्द नहीं है, आ है लेकिन कि आ उसकी सुनो जिसको कोई दर्द नहीं है, देख तुम्हारी ही तकलीफें करा रहा हूं मैं, लोगों की तकलीफें देख के ही हमें करा उठता हूं कि ये क्या हो रहा। लेकिन अब कोई सोचता है बुद्धत्व के बाद पीड़ा नहीं होती, बुद्ध को कोई बुरा नहीं कहता, बुद्ध को कोई धोखा नहीं देता, बुद्ध को कोई झंझट में नहीं डालता, ऐसी कहीं अगर सोच बना रखी हो तो वापिस हो जाओ, ये गलत रास्ते पे बढ़ रहे हो। और ये दूसरा सूत्र और सुबह जो कहा, ये दोनों सूत्र ऐसे हैं कि यदि इन दोनों के प्रति तुम्हारी ऐसी समझ है कि तुम्हें, जैसे सुबह पहले सूत्र में कहा कि बुद्धत्व में तुम सोचो मजा ही मजा है, तो तुम गलत सोच से भरे हो। सुख दुखों का खेल है, उसके बीच में ही यात्रा है, और तुम ये सोचो दूसरा सूत्र कि बुद्धत्व के बाद कुछ झंझट नहीं है, तो वो भी तुम्हें लालच दिया जा रहा है। अगर कोई बैठा ये कह रहा बुद्धत्व के बाद परम आनंद है, तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, परम बेवकूफ बना रहा है, परम आनंद का परम बेवकूफ। कोई परम आनंद नहीं है। परम आनंद के संबंध में तो कबीर की बात कहता हूं बहुत स्पष्ट, कि कबीर ने कहा था
जिस मरनी को जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरिए कब मिली है पूर्ण परमानंद। जीवन में आनंद हो सकता है और आनंद सुख दुख का जोड़ है। परमानंद तब हो सकता है जब शरीर भी ना बचे। अगर आनंद के साथ आपने शरीर में जीवन जिया तो मरने के बाद परमानंद है, लेकिन जीवन अगर तुमने विषाद से जिया तो मरने के बाद परमानंद नहीं है, तो आनंद भी नहीं है। अगर जीवन विषाद से जिया तो वापिस आओगे, फिर अगर क्लास में फेल हो गए तो दोबारा वहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर क्लास से पार चले गए, फिर सारे क्लासों से पार चले गए, फिर एक दिन आया कि स्कूल से बाहर चले गए, तो आनंद, क्योंकि आप डिग्री लेके निकले। तो इसलिए ये इस समय का दूसरा सूत्र है कि आप लोग ये जान लीजिए कि परम आनंद जैसा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा शरीर के रहते हुए। बुद्धत्व के बाद और पीड़ादायक स्थिति है, क्योंकि पहले सिंगल पीड़ा थी, अपनी थी, हाँ अपनी नहीं बची इसलिए आनंद भी हो सकता है, अपनी नहीं है इसलिए आनंद हो सकता है, लेकिन दूसरों की दिख के बहुत आनंद गड़बड़ में है, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है। और कमाल की बात यह है कि उन दूसरों को समझाओ कि तुम पीड़ा में हो तो वो तुम्ही को मारेंगे, तुम्ही को सूली दे देंगे, तुम्ही को जहर दे देंगे। इसलिए दूसरी पीड़ा यह है कि जो पीड़ा में है उनको सच्ची बात बताना तो और पीड़ादायक हो। मैं कभी कभी कहता हूं कि मैं जिनके भले के लिए निकला हूं वही मेरे दुश्मन है, मैं जिनके भले के लिए निकला हूं वही मेरे दुश्मन है, अब मैं कैसे लड़ूं? तलवार हाथ में है, लड़ा भी नहीं जा रहा, तलवार हाथ में है, मारूं किसको? इन्हीं का तो भला करना है। और वो युग चला गया जब गर्दन उतार देते, भला कराया भी जा सकता है गर्दन उतार के, लेकिन ये वाला युग है यहां तो थप्पड़ मार देने पे मास्टर को जेल हो जाती। ये वर्तमान का युग ऐसा युग है कि यहां पे थप्पड़ मार दो तो जेल हो जाती, यहां पे आप लाख किसी का भला कर लो, एक एक गाली दे दो, पूरा भला बेकार हो जाता है। हमें अगर वाकई में, फिर इस संबंध में मैं कहता हूं कि अगर हमें जगत को थोड़ा बहुत सुधारना है, वाकई में धार्मिक बनाना है, तो हमें कम से कम एक ऐसी डायरी बनानी चाहिए कि एक व्यक्ति ने फला अच्छे काम किए, अरे एक आध बुरे काम किए तो माफी योग्य होना चाहिए। वरना तो ईमानदारी की बात कहें, आप जितने सुन रहे हैं और जितने देख रहे हैं ये सब स्पष्ट जान ले, शायद ही कोई ऐसा हो व्यक्ति जिसके जीवन में एक ऐसा अपराध न घटा हो जिसके कारण उसे जेल में होना चाहिए, शायद ही कोई हो। आप में से कितने भी ईमानदार हो, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, मन में रहेगा, मन में रहेगा। तो ये दुनिया मन में रखे पाप को जी रही है, पाप को जी, अपराध का तो पनिशमेंट है लेकिन पाप का, पाप का नहीं। अब आपने पुण्य किया उसका कोई लेना देना नहीं, हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं है। ये कितना गड़बड़ दुनिया है कि यहां पुण्य का कोई हिसाब नहीं, लेकिन पाप के लिए आपको सजा दी मिलेगी। कोई तो आकलन होना चाहिए, कोई तो ये पैरामीटर तय होना चाहिए कि एक इंसान इतने इस दुनिया के बीच में किस तरीके से कोई काम करे। इतने नियमों में हमें बांधा गया है कि आज आज हम कृष्ण की बातें कर लें, लेकिन कृष्ण का युग नहीं है। आज हम बातें कर लें बुद्ध की, लेकिन बुद्ध का युग नहीं है, ना महावीर का युग है, ना नानक का युग बचा, ना किसी का युग बचा। यह युग तो बिल्कुल मॉडर्न है। इस युग में तो थोड़ी बहुत आपको समझ और थोड़ी बहुत चालाकियां और थोड़ी बहुत आत्मा और थोड़ी बहुत सब लेके ही चलना पड़ेगा। और अगर मैं पुराने बुद्धों की बात करूं तो सभी लोग क्रिमिनल थे, जितने भी इतिहास के उठा के देख लो सबने क्राइम किया। भाई बुद्ध के पास उंगली मान जैसा डकैत रहता था, आज तुम अपने आश्रम में डकैत रख के देख लो, इज इट क्राइम? कोई भागा हुआ आदमी को भाई, अगर मैं अभी इस समय बोलूं कि उंगली मान कोई है आ जाए मेरे आश्रम में रहे, पुलिस आ जाए, मैं क्रिमिनल, अभी मैं अंदर हो जाऊंगा। अब बुद्ध से ज्यादा तो ईमानदार कोई नजर ही नहीं आता। बाकी सबके जीवन में तो वैसे ही, राम ने अपराध किए, किसी के कानों में शीशा डलवा दिया पिघलवा के, पत्नी छोड़ दी, कितने अपराध हैं, कितने अपराध हैं। कृष्ण के ऊपर तो अपराधों की कोई कमी नहीं,
सब क्राइम करते हैं, सब इनको जेल में डालो, मरणोपरांत इन पे केस कर दो। जैन धर्म ने तो इनको साथ में नरक में डाला हुआ। वही वही मैं कह रहा हूँ कृष्ण को, ये जो चीजें हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ बुद्ध की तरह बड़े अच्छी अच्छी बातें, महावीर की तरह बड़ा अच्छी अच्छी आपको सिखाऊं, तो आप बात तो सुन लोगे, ताली भी बजा लोगे, लेकिन आपके जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर हो सकता हो तो बताओ। नहीं, कभी नहीं। आज की बातें ही आज के जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप बहुत गैर सामाजिक आदमी, आपने बहुत ऐसे गैर सामाजिक तरीके से जिया है, इसके बावजूद भी आप बचे कैसे हो? तो मैंने कहा मुझे ये समझ थी कि कानून में कहां कहां झंझट होता है। भाई ये आ गई थी समझ, शुरू में नहीं थी, बड़ी पिटाई हुई शुरू में नहीं थी, बड़ा मुझे पुलिस ने तंग किया, और मैं अच्छा ही काम करता था लेकिन तंग करती थी पुलिस। लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये खेल तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम बहुत सच्चे होकर जी लेंगे, एक दिन सूली पे लटका दिए जाएंगे, लोग तालियां बजाएंगे, थोड़े दिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे लोग भूल गए या मुझे मंदिर बना दिया मेरा, तो क्या मेरा काम हो गया? असली बात तो यह है कि दिल में रहती है तस्वीरें यार, कम से कम गंदी तो नहीं होती। इंसान के दिलों में जाओ, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तब तो बात है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वर्तमान का युग ऐसा हो गया है कि यदि आपका किसी लड़की से भी अफेयर चले तो पहले उसे ईमेल में मंगवा लो, लिख के अफेयर अफेयर है कि नहीं है, क्या पता कल केस ना कर दे। भाई अब तो प्रेम में शामिल हो गई राजनीति, कानून, सब प्रेम में आ गया। अब तो आप बैंक में, अभी अभी मैंने परसों सुना था कि सरकार ने एक लॉ लाई है कि 10 एजेंसियां आपके कंप्यूटर पे निगाह रख सकती। अब भाई हम सबके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपराधिक हो, और मान लो छोड़ो आपराधिक नहीं है और तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ईमानदार आदमी हो, और अभी मैं कहूं कि बीजेपी के खिलाफ या जो भी सरकार है, कांग्रेस हो चाहे कोई हो, उसके खिलाफ मैं कहूं कि आंदोलन छेड़ रहा हूं, तो यदि कोई सरकार हमारे ऊपर निगाह रख सकती है हमारे कंप्यूटर में बिना हमारी अनुमति के, तो आप लोग बताएं क्या वो कुछ डाल नहीं सकती उसमें? जिस सिस्टम से निगाह रखी जा सकती है उसी सिस्टम से आपके लैपटॉप में कुछ डाला जा सकता है, फिर आप फंस गए बुरी तरह। अब मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के युग में तो सबसे ज्यादा लोगों को लीगल काउंसलिंग की जरूरत है। अगर आप मन की आजादी से जीना चाहते हैं तो पहले लीगल काउंसलिंग को अच्छे तरीके से रीड कर लें, भारतीय कानून और इन सब चीजों को, वरना आपके नाचने पे भी कोई केस कर सकता है, आपके जोर से म्यूजिक सिस्टम बनाने पे भी कोई केस कर सकता है, और हर बात पे केस हो सकता है। आपने किसी को प्रेम का संदेश भेज दिया, उस पे केस हो सकता है। आपने कोई पोस्ट डाल दी और वो वायरल हो गई, कुछ बवाल हो गया, तो भी केस हो सकता है। आप क्या करेंगे? इसलिए वर्तमान का युग बहुत प्रैक्टिकल जीवन जीते हुए ध्यान के साथ जुड़ के अपने जीवन को आनंदित बनाने का युग है। अगर आप सोचो केवल हम जंगल में जाके ध्यान कर लेंगे इससे आनंद घट जाएगा, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं, अगर किसी को ऐसा घट गया हो एक मुझे मिलवा दो। ऐसे नहीं घटता, अब इस युग में नहीं घटता, आज से 50 साल पहले घट सकता था, 500 साल पहले घट सकता था, लेकिन राइट नाउ ये जो हम बैठे हैं 2018 में, इस समय पूरी पृथ्वी पे ऐसा युग नहीं। तो ये दो बातें साथ साथ इस सेशन के रूप में आप समझ लें कि ये थोड़ा सा चिंतन भी अपने अंदर बनता है कि कहां कहां हम अपनी जीवन को जीना चाहते हैं और कहां कहां में रुकावटें दी जा रही। हरियाणा में बहुत लड़के मेरे पास जुड़े हुए हैं, आते हैं, बहुत से लड़के अपने मन की जीना चाहते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हरियाणा में बड़ी एनर्जी है, लेकिन एनर्जेटिक लड़के अंतोगत्ता उपद्रव में तब्दील हो जाते हैं। मैं कितने लड़कों को जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, लेकिन उनके कामों से कुछ ऐसा होता है जो गैर कानूनी हो जाता है। मैं एक शिविर ले रहा था, वो शिविर जिस जगह था वो एक मंदिर था, आर्य समाज का मंदिर था।
वहां आर समाज वाले तो वैसे भी ओशो के विरोध में होते थे, तब मैं ओशो का शिविर ले रहा था। एक दिन सुबह 4 बजे जो शिविर जिसने करवाया था वो मेरे कमरे में आया और मुझे बोला, स्वामी जी एक बवाल हो गया, हाँ थोड़ा देखो। हमने कहा क्या हुआ? बोले 3-4 लड़के वो सुबह सुबह उठ के चिल्ला रहे हैं। वो 4 बजे सुबह सुबह मंदिर प्रांगण में ओसो ओसो आइए वो। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कह लेंगे स्वामी जी बस मौज आई है, मौज में चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी मौज है, अभी यहाँ शिविर बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई कहे कि मैं चालाक आदमी हूं, इसमें मैं चालाकी है कि समझदारी? इसमें समझदारी है। अब मैंने उनको कहा बेटा तुम ये मत करो। अब वो वही हरियाणा के थे, कहना के स्वामी जी लो आप कहते हो दिल की करो, ओसो कहते हैं दिल की करो। अब मैं दिल की कर रहे तो आप रोक रहे हो। मैंने कहा भाई तुम अपने दिल की कर लो, थोड़ी देर बाद आर समाज वाले आते होंगे वो भी अपने दिल की कर ले, दोनों लोग अपने दिल की कर लो, कल अखबारों में ओशो का बड़ा नाम होने वाला, पुलिस उसको पकड़ लेके ले जाएगी, फिर वो भी अपने दिल की करेगी। आर्य समाज के साथ सभी होंगे इनके साथ। मैं कहने का मतलब ये है संख्या किसकी ज्यादा है इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचो हम अपने मन को किस तरीके से जी पाए। एक जमाना था कि हम चलो जंगल निकल जाएं, एक आदमी घर बार छोड़ दे जंगल चला जाए, लेकिन अब तो जंगल में भी दिक्कत है। आप हिंदुस्तान में कोई 1 किलोमीटर का एरिया ऐसा बता दो जिसमें आपने आदमी ना देखा हो। अब तो कब्रिस्तान में भी मैंने देखा लोगों के प्रचार के बोर्ड लगे हैं, कब्रिस्तान में प्रचार के बोर्ड लगे हैं, कब्रिस्तान के बाहर एक दुकान मिल जाएगी जहां चिप्स बिकता है। तो अब तो कब्रिस्तान भी साधना के केंद्र नहीं रहे। पहले अगर बुद्ध थे, बुद्ध कह देते थे जाओ कब्रिस्तान में साधना करो, अब वो कब्रिस्तान में बैठा होगा चिप्स खा रहा होगा। ये युग आ गया। तो इस समय बहुत जरूरत है कि हमने जो पुराने आदर्श अपने दिमाग में बैठा रखे, सूत्र नंबर 3, कि हमने जो पुराने आदर्श अपने दिमाग में बैठा रखे हैं, चाहे वो बुद्ध के हों, चाहे वो नानक के हों, चाहे वो किसी के हों, निश्चित ही उनको पूजा जा सकता है, प्रणाम किया जा सकता है, लेकिन उनकी बातों को आज के दौर में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई करने को कहता है कि हम कर सकते हैं, तो मैं हर उस आदमी की परीक्षा लेने को राजी हूं जो जिस भी आदर्श के जीवन पे अपने जीवन को उतारने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि मैं कहता हूं किसी को छोड़ो मुझे भी मत उतारना, क्योंकि मैं भी अतीत हो गया। आज से 20 साल 25 साल पहले की साधना वर्तमान में तो और झंझट हो, और डे बाई डे ये शिकंजा कसता जा रहा है। इस शिकंजे कसते जाने के पीछे कारण है कि इस दुनिया में धर्म एक दिन खो जाएगा और विज्ञान बचेगा, विज्ञान की किताबें बचेंगी, धर्म एक दिन बिल्कुल समाप्त होने वाला है, धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, धर्म बचेगा ही नहीं, इसके प्राण निकल जाएंगे, कहते ये बचने वाला नहीं, क्योंकि दबाव बहुत गहरा है। मैं बोलता हूं कभी कभी लोगों से कि मैं चलो डिप्रेशन का इलाज करता हूं, कुछ करता हूं। कोई आ जाते हैं डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं कि आपने कौन सी डिग्री ली है कि आप इलाज कर रहे हैं? मैंने कहा डिग्री नहीं ली है लेकिन इलाज कर रहे हैं। तो कहते हैं तो गलत बात है, अपराध है। हमने कहा बिल्कुल अपराध नहीं, उनकी दुकान बंद। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी डॉक्टरी में तुम पे डिग्री है, तो तुम ये लिख के दे दो कि एक भी बीमार होगा नहीं, सब ठीक कर दोगे। क्या डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं? जब तुम डिग्री के बावजूद 100% लोगों को ठीक नहीं कर सकते, तो तुम दूसरे पे आरोप कैसे लगा सकते हो? लेकिन डिग्री की आड़ में सब कुछ किया जा सकता है। डिग्री हो उसकी आड़ में चाहे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसे कुछ भी ना पता हो, जैसे वही बात 3 इडियट का हुनसुक बांगड़ू, उसके पास डिग्री नहीं लेकिन नॉलेज बहुत है, और डिग्री जिसके लिए दे दी उसे कुछ भी नॉलेज नहीं, वो सिर्फ ठेके ले रहा उसके। डिग्री वाले को रिस्क भी नहीं होता कि अगर मार देगा बंदा तो उसको ये, ये हम जिस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं वहां पे अब धर्म शायद बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है।
मैं उस धर्म की बात नहीं करता हिंदू या मुस्लिम, मैं उस धर्म की बात करता हूं जो एक व्यक्ति का निज स्वभाव है वो बहुत खतरे में है, आपका निज स्वभाव बहुत खतरे में है। और ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मनुष्य के हित के नाम पे उसका अहित करने के लिए दिन पे दिन लगाए जा रहे हैं। डे बाय डे एक नियम आता है कि उसका भला होगा लेकिन बहुतों का बुरा होता है उससे। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मान के चलें कि किसी भी एग्जाम्पल को अब आप अपने दिमाग में रखते हैं तो धर्म की यात्रा भूल जाएं। एग्जाम्पल नहीं कोई चलेगा, आप ही एग्जाम्पल हो, आप ही जिस कंडीशन में हो वहां से आपको निकलना है। अगर आपको समस्या आएगी तो आप सोचो किताबों में क्या लिखा था समाधान, उससे नहीं है, आपको अपनी समस्या खुद सॉल्व करनी है। जिस जगह हो, जिस स्थिति में हो, वो आपको ही देखना है और उसके बीच में अपना आनंद और अपना सत्य भी बचाना है। हालत ये है कि मां के पेट में जो बच्चा है निश्चित ही वो उसका है, लेकिन बाहर के ठोकरों से, बाहर के धक्कों से तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो मरेगा। तो आपका जो सत्य है, जो आपके अंदर है निज स्वभाव के रूप में, मैं उसको ना नानक वाला सत्य कहूंगा, ना बुद्ध वाला, ना ओशो वाला, ना सखा वाला, मैं तो सिर्फ आपका कहूंगा। लेकिन आपके अंदर जो सत्य है, जो आप प्रेग्नेंट हो, जो आपके अंदर आपका अपना है, उसे जन्म जब तक ना दे दो तब तक बहुत बचाना पड़ता है। और उस बचाने में कभी कभी दूसरे को धक्का भी देना पड़ता है। उस सत्य को बचाने के लिए कभी कभी हमें दुर्जन जैसा भी प्रतीत होना पड़ता है, लेकिन सत्य को बचाने का जिस युग में भी जो ढंग रहा वो हर युग के हिसाब से पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने किया। जब बुद्ध आए थे तो उस समय कोई घर छोड़ के निकलने की प्रथा नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि वर्तमान स्थिति में घर छोड़ना ही पड़ेगा, तो उन्होंने छोड़ा। उसके बाद जो आए उन्होंने अपने ढंग से कार्य किया, किसी ने गीत गा के कार्य किया तो किसी ने नाच के कार्य किया। अगर ओशो के युग की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आप सब ओशो को जानते हैं, तो हम ओशो के युग की अगर बात कर लें तो आप ये देखो उन्होंने भी कैसे काम किए। अगर सामान्य आज की तारीख में किसी बाबा के पास इतना धन हो जाए, किसी भी बाबा के पास इतना धन हो जाए जितना ओशो के पास था, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ओशो का हर सन्यासी उस बाबा को बुरा कहेगा। ओशो का हर सन्यासी उस बाबा को गाली देगा कि देखो धन कमा रहा, लेकिन ओशो के लिए उसके अंदर से गाली नहीं निकलती। ये तो ये भेद बंद करना पड़ेगा, ये भेद बंद करना पड़ेगा। या तो आपको अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो कोई अगर दुनिया में और भी उस तरीके से बढ़ रहा है तो उसके प्रति भी समर्पित। ये कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा। लेकिन सदा ये चलता आया है कि कोई व्यवस्था जब आरंभ होती है तो उसमें एक तो होते हैं जो पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए वो वृद्ध होते हैं, फिर कुछ लोग नवीन होते हैं जो अभी अभी प्रवेश पाए हैं। अब जैसे मैं कभी कुछ बात बोलता हूँ तो किसी नवीन सन्यासी को जिसने एक दो साल पहले ही माला पहनी है और अभी नया नया मुल्ला हुआ है ध्यान करने वाला, वो मेरे ऊपर कमेंट्स करता है, अरे ध्यान करो इससे कुछ नहीं होगा। अब उसे क्या पता कि मेरे अतीत का समय क्या रह चुका है, मैं किन यात्राओं से आगे बढ़ा हूँ, आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो कहाँ से पहुँचा हूँ। हालत ये हो गई है कि इस दुनिया में आप पिक्चर देखने भी जाते हैं तो या तो कोई डायलॉग याद रह जाता या कोई गाना याद रह जाता, पूरी पिक्चर का सार किसी को नहीं पता। तो मेरे पूरे जीवन से आप मेरे इतने 350 वीडियो हैं उनमें से निकाल के मुझे रावण सिद्ध कर सकते हो, मैंने कौन कौन से टुकड़े ऐसे कहे जिससे जोड़ जोड़ के रावण बना लो, और कौन कौन से टुकड़े ऐसे कहे जिसे जोड़ जोड़ के राम बना लो। मुझे राहुल गांधी की तरह आलू से सोना निकलेगा ये भी कट कट करके निकाला जा सकता है।
मैंने बोला कभी नहीं है, आज पहली बार निकला, लेकिन इसका भी वीडियो बनाया जा सकता है कि इधर से आलू डालूगा उधर से सोना निकलेगा, वो कट करा जा सकता है। लेकिन इस कट कर देने वाले चित्त को मैं साधक नहीं कहता। इस कट कर करके मेरे जीवन से जो व्यक्ति मजा ले रहा है, मैं उसको साधक नहीं कहता। साधक तो होता तो ये कह देता कि शशांक के जीवन में इतनी बातें हैं दिन की तरह, तो उसमें एक रात का पहर भी है, एक रात का भी साया है, इतना सा तो मान ले, अगर कोई कह दे तो साधक है, इसका मतलब वो पूरी चीज देख रहा है। मुझे किसी की निंदा करनी हो, मैं छोटे से दो शब्द उठा के निंदा कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी से प्रेम करना चाहूं तो मैं दो शब्द भूल के भी उसका प्रेम कर सकता हूं। अब किसको क्या करना है ये तो उसके ऊपर है। तो मैं यहां आप लोगों को जो चर्चा कर रहा हूं वो साधक होने की चर्चा कर रहा हूं, मैं चर्चा नहीं कर रहा मेरी बात से कुछ चुराओ, मैं चर्चा नहीं कर रहा कि मेरे जीवन को पूरा देखो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो भी चीज करो उसे पूर्णता के साथ करो और किसी भी चीज में भेद ना करो। आप सुख दुख अच्छे बुरे के भेदों में मत पड़ो, किसी भी आदर्श को अपने जीवन में उतारने के झंझट में मत पड़ो। आपके योग अगर आपके अच्छे होने के लिए मेरे पास से आपको कुछ मिलता है तो उतना ले लो, बाकी की निंदा करो ना, निंदा भी करने की क्या जरूरत, अच्छा मिल गया आपने मजे लो, अच्छा मिल गया। इसको मैं कहता हूं चोर, लेकिन कौन सा चोर, माखन चोर। जिस व्यक्ति ने माखन चुराया, कृष्ण थे, कृष्ण को माखन चोर सामान्य लोग कहते हैं कि वो मक्खन खाते थे इसलिए, लेकिन मैंने तो देखता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अगर इस ऊंचाई पे रखा कि हम उन्हें कृष्ण कह सके, मेरी नजर में कृष्ण का एक ही मतलब है, सभी आयामों का जोड़ कृष्ण। कृष्ण यानी ऐसा व्यक्तित्व जिसमें हर व्यक्ति को अपना चेहरा नजर आ सकता है। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें दुश्मन दुश्मनी ढूंढ लेगा और प्रेम प्रेमी ढूंढ लेगा, इसे मैं कृष्ण कहता हूं। लेकिन कृष्ण के जीवन को पूरे तरीके से निखर सके, इसके लिए कृष्ण ने बहुत सारी जो हैं वो कलाएं सीखी थी, जिन कलाओं में एक कला जादू टोना भी थी। युद्ध कौशल भी सीखा, छल कपट भी सीखा, चौपड़ भी सीखा, बहुत सारी उन्होंने सीखा। तो जहां से उन्हें जो प्यारा लगा, जहां से उन्हें जो मक्खन लगा, वो उन्होंने चुरा लिया। तो सन्यासी इन अर्थों में चोर होता है कि वो मक्खन चुराता है, जहां से जो मक्खन मिला चुराया और अपना आनंद लिया। अब पूरा चुराने की जरूरत नहीं है, पूरा अब कोई कहे मक्खन जहां से आया उसे पूरा चुरा तो झंझट पड़ जाएगा भाई। मक्खन आया दही से, अब दही आया दूध से, अब दूध आया गाय से, अब गाय चुराओगे, और फिर गाय भी आई और गायों से, फिर तो आफत में पड़े। तो बहुत पीछे मत जाओ। सामान्यतः धार्मिक लोग एक भूल करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा स्वामी जी आपके गुरु कौन। मैं कहा भाई अभी तो मैं ही हूं, मुझे ही निपट ले। अब वो आपके गुरु पता लग जाएं तो हम उनसे सीख लें जिससे आपने सीखा। फिर मैंने कहा फिर उनके भी गुरु, फिर कुछ मर गए तो तू भी मर जा, सीख ले जाके उनसे। मक्खन चुराओ, आपके सामने जो बैठा है, कई बार लोग मुझसे आरोप भी लगा देते हैं, चलो मैं मान भी लेता हूं, लोग आरोप लगा देते हैं आप ओशो की बात कह रहे। फिलहाल तो यार मैं पढ़ता नहीं तो इसलिए ओशो की बात क्या कहूंगा, और कह रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है। हां इतना जरूर कह सकता हूं कि 650 पुस्तकों से जो मक्खन निकल सकता था वो मेरे पास है, मैं मक्खन हूं, मैं ओशो के दूध में से निकला मक्खन हूं, खा लो। अब दूध के चक्कर में पड़ो तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, फिर ओशो का वो सुनो, मरो है जोगी मरो मरो, फिर शिविर में जाने की जरूरत क्या है, सल्फास की दुकान पे जाओ। अगर पीछे सामान्य मनुष्य पीछे चलता है और पीछे
हमारी सभ्यताओं ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, राम के गुरु ने क्या कहा, उनसे पीछे क्या था, हजारों साल पहले कितनी तरक्की थी। पहले तो आदमी हवा में उड़ जाता था, तुम भी उड़ जाओ, पहाड़ से कूदो, अभी उड़ते दिखाई दोगे। लेकिन नहीं हो सकता। आज के समय में क्या हो सकता है, तुम्हारी क्षमताएं क्या कर सकती हैं, वहां पे आओ। इसे मैं कहता हूं कृष्ण होना, कि कृष्ण जो थे वो वर्तमान में थे, वो मक्खन ले रहे थे। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि भारतवर्ष में बड़े अच्छे लोग हुए पहले, उन्होंने कभी ऐसी, वो तो वर्तमान में थे, वो वर्तमान में कह रहे थे कर्ण है, ये है, वो है, जो है वो वर्तमान में है, लेकिन अतीत में नहीं गए। सन्यासी अतीत में भी नहीं जीता, सन्यासी वर्तमान में जीता है और सदा मक्खन चुराता है। यहां जो मजा आ रहा है वो लेने योग्य है, यहां जो कमियां होंगी उनको निहारने का क्या भाई। आप जो चीज मजे ले सकते हैं लीजिए, और जो आदमी मक्खन खाना शुरू कर देता है वो आनंदित ही रहता है, वो सदा आनंदित रहता है। मैं तो भाई मैं मक्खन ही चुरा लेता हूं, मुझे तो किसी भी चीज में जो फायदा दिखता है मैं लेता हूं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। मुझसे ज्यादा चोर इस जगत में ढूंढना मुश्किल है आज की तारीख में। मैं बुरी से बुरी चीज में भी मजा ढूंढ लेता हूं, बुरी से बुरी चीज में भी। मतलब मेरी स्थिति वो हो चुकी कि नरक में भी मैंने स्वर्ग ढूंढा हुआ है। अगर सारे लोग मिलकर भी मुझे नरक भेज दें, मैं नरक में भी जाके स्वर्ग बना लूंगा। एक बार हो चुका है मेरे साथ जेल में, 10 दिनों के लिए मुझे जेल हुआ, मुझे सामाजिक व्यवस्था ने मेरे ऊपर केसेस लगा के मुझे 10 दिन के लिए जेल भेज दिया। मैं जेल में जाके प्रवचन देता था, मैंने वहां भी चेले बना लिए थे। और उस दौर में गया था जिस दौर में टमाटर 50-60-100 रुपए तक, प्याज बिक रहा था, बाहर लोगों के पास खाने को नहीं था, अंदर जेल में मेरे पास सब गट्ठे लगे रहते थे, इतनी तो मक्खन की टिक्कियां होती थी इकट्ठी, और मैं मालिक होता था उसका। जो सब कहते थे स्वामी जी आप ही पास रखी है, तो मैं तो जेल में भी स्वर्ग बना लिया था। क्योंकि जिसको एक बार मक्खन चुनना आ गया वो कहीं चुन लेगा, एक बार जिसको मजा आ गया वो कहीं चुन लेगा। एक औरत को छोटा सा टुकड़ा दे दो एक कपड़े का, वो उसे ढूंढ लेगी, इसका साड़ी कहां मिलेगी, ढूंढ लेगी, बस उसके पास टुकड़ा होना चाहिए। तो जैसे आपको आज थोड़ा सा नींद का स्वाद मिला, मैं गारंटी कहता हूं बस इनका बढ़ता जाएगा, इनका नहीं रोके रुकेगा, इनका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जहां पे बुद्धि लगाई कि ये क्यों, जैसे कुछ लोग कर देते हैं बुद्धि, मैं आपको बता रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं, बुद्धियां होती। एक बार मेरे पास एक आया ध्यान करने के लिए एक हफ्ते के लिए, लेकिन वो कहता था स्वामी जी मैं एक ही शर्त पे ध्यान करूंगा। मैंने कहा क्या, कहने की शर्त यह है कि मैं स्वामी जी बस भोजन में बाहर का ही करता हूं, मैं भोजन घर का नहीं करता। यार क्या ये कौन सा, पहली बार सुना भोजन बाहर का करता हूं, लोग तो घर का करते हैं। वो बाहर का करता था और वो भोजन के टाइम बाहर चला जाता था। एक हफ्ते तक वो मेरे पास रहा, उसने धन भी दिया, सब कुछ किया जो करना चाहिए था। जाते वक्त बोला, बोला स्वामी जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे दिल पे बोझ है एक हफ्ते से। मैंने कहा बताएं। बोले स्वामी जी मुझे किसी ने भेजा था आपके पास कि आपकी मैं थोड़ा राज लेके आऊं, क्या है। अच्छा अच्छा, तो मैं इसलिए आया था, लेकिन उसने कहा था कि वो खाने में अफीम मिला देता है तो तुम खाना मत खाना वहां का। यार मैंने कहा अगर मैं तेरे एक हफ्ते खाने की अफीम मिलाऊं तो वो तो बहुत महंगी हो गई, ये तो धंधा ऐसे कैसे चलेगा, ये तो बड़ा महंगा धंधा हो गया। तो ऐसे ऐसे संदेह से भरे आते हैं। तो मैं खुद कह देता हूं भाई अगर किसी को लगता हो अफीम जैसी चीज है तो वो किचन में खुद बना ले, हमें तो उसमें भी आराम। आपको तो आराम ही होगा, हमें तो और आराम, दिव्या को और आराम हो जाएगा। सही है। लेकिन इस तरीके का दिमाग, जैसे अब इनको नींद आया, अब अगर ये अकेले हो तो सोचेंगे यार मुझे आ गया नींद कैसे, लेकिन आपने लगभग सब एक ही सा खा रहे हो, एक ही सा रह रहे हो, किसी को आया किसी को नहीं आया। तो इस तरीके के दिमाग संदेह पालता है, इस तरीके से इंसान जो है वो अच्छे में भी बुरा। मैंने कहा अगर तू एक हफ्ते के लिए मेरी खोज करने आया था ना, तो मैं जो सिखा रहा था उसमें पूरा जोर देता तो कुछ ले, तू एक दिन मुझे खोज लेता, लेकिन तूने खोजने में समय बिताया,
ऐसे कई बार हो चुका मेरे पास, 4-5 बार ऐसा हो चुका कि लोगों ने पैसे दे दे के भेजे मेरे पास लोग कि इनकी पता करो राज क्या है। और बाद में हुआ राज कुछ है ही नहीं, ये तो सब खुला खलास खेल। ये लड़का इतने दिन से यहाँ आके रह रहा है, क्या राज है? यहाँ कोई राज वाली जाति नहीं है, यहाँ ऐसे जीवन है जैसे चलता रहता। खैर, कहना यही चाहता हूं कि आप अगर माखन चोर हो तो आप वर्तमान में आनंदित हो जाओगे, अगर आप माखन चोर नहीं हो तो आप खोजते रह जाओगे, कुछ ना पाओगे। खोजने से नहीं मिलता है, ये जिन्होंने कहा है उन्होंने गलत कहा है कि खोजने से मिलता है। सच बात तो यह है जीने से मिल जाता है, आप जियो और जीने से मिल जाएगा। जो कहता हूं उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करो, उसमें थोड़ा उतरो और मिल जाएगा। बहुत सरल है, जीने में ही, जीवन ही प्रभु है और जीवन जो है वो जीने का नाम है, इसे जीना ही पड़ेगा। या तो हम समय काट के गुजार दें या हम जी के गुजार दें। काट के गुजारोगे वो भी तुम्हारे हाथ में, जी के गुजारोगे वो भी।